देयर गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेज, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में। सो गाइस, चलिए गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारा CWL सीरीज चल रहा है। कल मैंने डाला था Day 1 का वीडियो, अब आज चलते हैं Day 2 की तरफ। Day 1 का रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ गाइस। देखिए, ये है हमारा Day 1 का रिजल्ट, 67 on 51 stars। देखिए गाइस, हम ये बार इजीली विन कर चुके हैं टफ ओपोनेंट के सामने। अब ये वॉल जो है वो उससे भी टफ आई है, देख सकते हैं आप, सब TH14, वो भी रश प्लेयर नहीं है, मैक्स प्लेयर्स है, इसलिए हम थोड़ा नीचे अटैक करने वाले। चलिए फिर गाइस, वॉर अटैक शुरू हो चुके हैं। चलिए पहले सबको स्पेक्टेट कर लेते गाइस, और फिर मैं अपनी सारी आईडी से आपको अटैक करके दिखाऊंगा जैसे लास्ट टाइम किया था। अब सामुराई अटैक कर रहा है अपने मिरर पे, देख सकते हैं आप, ड्रैगन अटैक, जैप ड्रैगन किया है, 8 लाइटनिंग से पहले 2 एयर डिफेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिया, 2 एयर डिफेंसेस बचे हैं तो उन्हें दूसरे ट्रूप ले जाएंगे। चलिए फिर दूसरा अटैक भी हो रहा है, वो भी देख लेते। ये देखिए, मोनिल सा अटैक कर रहा है, गो वी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है विद विजार्ड्स, यानी कि गो वी स्ट्रेटजी। ओपोनेंट के पास है जंगल क्वीन, यानी कि उसने लास्ट टाइम गोल्ड पास लिया होगा, और किंग जो है वो ग्लैडिएटर किंग है। और ये देखिए, सीसी में से निकल चुका है ड्रैगन और बलून। चलिए, ये अटैक बाद में रिविजिट करेंगे, और दूसरा अटैक भी हो रहा है, डेजी अटैक कर रही है, TH10। देखिए, गोबोविच स्ट्रेटजी गाइस। चलिए, ये अटैक पूरा रिविजिट कराता हूँ आपको। तब तक ये जो रिक्वेस्ट आ रही है उनके लिए ट्रूप्स कुक कर देते हैं, TH12 आईडी से मैं कुक कर देता हूँ मैक्स ट्रूप्स। सो क्या क्या चाहिए है, 2 बॉलर्स, पॉइजन डायरेक्ट दे देता हूँ क्विक डोनेट से, बलून 8 कुक कर लेते, 2 लाइटनिंग और स्टोन स्लैमर। एक ड्रैगन और 3 बलून, और इसको भी चाहिए एक पॉइजन। स्टोन स्लैमर को आठ मिनट लगने वाले। चलिए, अब दूसरे लोग अटैक पे जा रहे हैं, उनके अटैक एक्सपेक्टेड करते। देखिए, अब डेजी का अटैक कंप्लीट कर लेते, और तब तक ट्रूफ भी कुक हो जाएंगे तो दूसरे लोग भी अटैक के लिए रेडी हो जाएंगे गाइस। यो, ये अटैक देखिए, बहुत ही बढ़िया अटैक जा रहा है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 3 स्टार होने वाला है। गोबोवी स्ट्रेटजी तो मैंने आपको बताया, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है जब TH9 से 12 तक। और इसी के साथ अटैक होने वाला है 3 स्टार, अब बचा है सिर्फ एक हिडन टेस्ला गाइस। ऑसम अटैक, इसी के साथ अटैक होने वाला है 3 स्टार, और ये अटैक हो चुका है 3 स्टार।
चलिए अब दूसरा आटा एक्सपेक्टेड करते ब्लैक ड्रॉन्सर और धानु दोनों अटैक कर रहे हैं। पहले ब्लैक ड्रॉन्सर का दिखा देता हूँ आपको, ड्रैगन जैप किया उसने भी, दो एयर डिफेंस पहले डिस्ट्रॉय कर दिए, अब जो बाकी के दो है वहाँ पर ट्रूप डिप्लॉय करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर ये अच्छे से डिस्ट्रॉय हो गए तो अटैक 3 स्टार हो जाएगा इजीली। और ये सीसी में से निकल चुका है ड्रैगन, तो उस पर बड़ा डाल दिया है पॉइजन और फ्रीज। चलिए दूसरा अटैक देखते हैं, धानु का अटैक ऑलरेडी 75% हो चुका है अटैक गाइस। गोवी स्ट्रेटजी यूज किया उसने भी, सेम स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूँ टाउन हॉल 9 के लिए। ये स्ट्रेटजी तो आपको पहले ही पता है, बढ़िया स्ट्रेटजी है, तो ये इजीली एक 3 स्टार अटैक हो जाएगा गाइस। ऑसम अटैक धानु, और इसी के साथ अटैक हो चुका है 3 स्टार होने वाला है। सिर्फ 2 ड्यूलिंग्स बची, और अब बचा है सिर्फ एक एयर डिफेंस और गोल्ड स्टोरेज। यहाँ पर सब एयर डिफेंस की तरफ बढ़ चुके, और इसी के साथ अटैक हो चुका है 1 3 स्टार गाइस। देखिए अभी ऑलमोस्ट हम लोग आगे निकल चुके ओपोनेंट से, इतना हार्ड ओपोनेंट होने के बावजूद भी हम इजीली उसके आगे निकल चुके हैं। Awesome. चलिए फिर अब जो कुक हो चुका है वो उतना सबको दे देते डोनेशंस। ड्रैगन बचा है, ये पॉइजन ऑलमोस्ट कुक होने वाला है, और ये बॉलर कुक हो जाए, बॉलर दे देते हैं तो आदर्श अटैक कर देगा। चलिए, और ये जो अभी अटैक करके है उन्हें मैं बाद में दे दूंगा, क्योंकि अब उनका अटैक हो चुका है, जिनका अटैक बाकी है उनको पहले दे देता हूँ जैसे ही कुक हो जाए। तो चलिए अब आदर्श जाने वाला है अटैक के ऊपर। चलिए अभी तक का वॉर का हाल देख लेते हैं। देखिए अब थोड़े 3 4 स्टार और बढ़ जाए तो हम 3rd पोजीशन पे जंप कर जाएंगे, और क्लैन में देखिए ऑलमोस्ट सारे 3 स्टार्स है, देख सकते हैं आप, सिर्फ 5 6 2 स्टार है और 1 2 1 स्टार है। चलिए फिर और एक अटैक चालू हो चुका है, साइको का अटैक। ये भी ड्रैगन जैप अटैक कर रहा है, चलिए तब तक मैं ट्रूप्स रेडी करके डोनेट कर देता हूँ। ड्रैगन हो चुका है, पॉइजन हो चुका है, स्टोन स्लैमर 4 मिनट में बन जाएगा, और लाइटनिंग भी बन जाएगी। तब तक पिक आ चुका है, एक जो ड्रैगन बच गया है वो दे देता हूँ। चलिए अब साइको का पूरा अटैक देख लेते हैं।
अटैक बहुत ही बढ़िया जा रहा है गाइस। ड्रैगन्स बहुत सारे बचे हुए, किंग की एबिलिटी भी बची हुई है और अब बचा है सिर्फ दो आर्चर टावर्स, एक आर्चर टावर बचा है, एक कैनन, एक एक्सबो। तो चलिए अब सिर्फ बचा है एक आर्चर टावर, तो ये अटैक भी इजीली 3 स्टार हो जाएगा। देखिए अब ओपोनेंट भी स्पेक्टेट करने लगे क्योंकि अचानक ही हम लोग सब अटैक कर रहे हैं। व्हाट एन ऑसम वॉर गाइस। और अब इसी के साथ हमने लीड मेंटेन कर लिया, देख सकते हैं आप 30 स्टार्स हो चुके हैं। लाइटनिंग बन गया, चलिए लाइटनिंग बन गया है, पिकाचू को दे देते ताकि वो भी अटैक कर दे। अब स्टोन स्लैमर और ये देना है, 3 ड्रैगन्स बलून्स बन चुके हैं। लाइटनिंग बनने में टाइम है और स्टोन स्लैमर दोनों में 2 मिनट है। चलिए अब आदर्श का अटैक हो चुका है लाइव, देखिए TH-10 पर वो अटैक करने वाला है। इसके इन्फर्नोस मल्टी इन्फर्नोस है और गो विच अटैक है, वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए विचिस के साथ हीलर्स डाले दोनों जगह पे और सेंटर में डाल दिया है गोलम और फिर वॉल ब्रेकर्स। और अब सीसी के बॉलर्स हीरोज छोड़ दिए, वो फनल हो चुका है क्रिएट, वो सीधा अंदर जाएंगे। और इसी में से निकल चुका है ड्रैगन और बलून्स, तो उस पर डाल देंगे पॉइजन और फ्रीज। और अब जंप स्पेल डाल दिया है तो हीरो सब जंप कर लेंगे। तो मल्टी इन्फर्नो का डैमेज बहुत ही बढ़ रहा है तो इसलिए हील डाल दिया है। एक मल्टी इन्फर्नो जो बचा है वो बहुत ही डैमेज दे रहा है, अब वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो अटैक इजीली 3 स्टार हो जाएगा गाइस। चलिए आर्चर क्वीन वहाँ पर पहुँच गई है तो देख इन्फर्नो भी डिस्ट्रॉय कर जाएगी, सब इजीली आदर्श का अटैक हो जाएगा, एक 3 स्टार अटैक गाइस। ऑसम अटैक, देखिए अब ये ऑलमोस्ट अटैक हो चुका है 3 स्टार, सिर्फ बचा एक कैनन। और इसी के साथ ये अटैक भी हो चुका है एक 3 स्टार अटैक गाइस। सो अब लीड पे लीड मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। आदर्श अभी न्यूली TH-10 पे आए इसलिए उसका बूस्ट ऑन है। साइको की 2 IDs है, एक आईडी में अटैक कर चुका है वो, सेकंड आईडी का अटैक बाकी है तो उसमें डोनेट कर देता हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं तो सब डोनेट कर देता हूँ उसको। लाइटनिंग और ये स्टोन स्लैमर, देखिए गाइस इजीली हम लीड ले चुके हैं, यहाँ पर 33 स्टार्स हो चुके हैं और ओपोनेंट के जो है 26 स्टार्स है। तो अब मैं मेरी सारी आईडी से अटैक करता हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं TH-14 आईडी से। इस बार अब मैंने थोड़ी आर्मी चेंज की है, ड्रैगन राइडर्स की जगह भी सारे ड्रैगन्स लिए, ड्रैगन जैप करने वाला हूँ सेम, 3 बलून्स 13 ड्रैगन्स, लाइटनिंग्स है सब और सीसी सेम है, पेका और आईजी। चलिए उसके पहले दूसरा अटैक हो रहा है वो देख लेते, पिकाचू का अटैक।
ये देखिए कितना हार्ड बेस मिला है हम लोग को, फिर भी ट्राई तो है कि 1 या 2 स्टार मिल जाए, 3 स्टार का तो कोई चांस है नहीं। चलिए देखते क्या होता है। जैप करके सारे एयर डिफेंसेस डाउन हो चुके, अब चालू होगा ड्रैगन अटैक। तो पहले जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, इलेक्ट्रो ड्रैगन से फनल कर रहा है वो, और फिर सारे बलून्स, और अब उसके बाद एक साथ डाल देंगे सारे ड्रैगन्स। क्वीन देखिए उसकी 75 की ओपोनेंट की, और अपने पास है 22 की क्वीन, तो देख ही सकते हैं आप कितना हार्ट अटैक हो रहा है ये। चलिए देखते हैं 2 स्टार हो पाता है या नहीं, क्योंकि और नीचे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि बाकी लोग भी अटैक करने वाले, इसलिए इतना ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। नीचे ऑलमोस्ट सब 3 स्टार हो चुके हैं। चलिए टाउन हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, स्टोन स्लैमर बढ़ रहा है, टॉर्नेडो ट्रैप बहुत, और ये भी स्टोन स्लैमर टूट चुका है तो उसमें से बलून्स निकल चुके हैं। सेंटर की तरफ ट्रूप्स नहीं जा रहे, यानी कि 2 स्टार होना मुश्किल है गाइस। कोई बात नहीं, एटलीस्ट 1 स्टार तो हो गया, हमने वैसे भी लीड मेंटेन कर लिए। चलिए मैं जाता हूँ अटैक पे, आर्मी बूस्ट करके और हीरोज बूस्ट करके, क्योंकि ये बहुत हार्ड वॉर है। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ अटैक। देखिए ये बेस है, ड्रैगन जैप करना है तो यहाँ पर देखिए ये एयर डिफेंस, एयर डिफेंस के पास क्वीन और आर्चर टावर है, एयर डिफेंस के पास से कैनन ले लेंगे, और यहाँ पर जो आर्चर टावर है वो भी डाउन हो जाएगा। चलिए फिर करते हैं अटैक स्टार्ट, लेट्स रोल ऑन गाइस। देखते हैं 2 स्टार हो पाता या नहीं। 1 2 3 ये हो गया फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, और इसी के साथ फोर्थ भी डाउन। चलिए अब अटैक की शुरुआत कर देते हैं, ईगल आर्टिलरी की तरफ से अटैक करेंगे। स्टोन स्लैमर ले लेता हूँ, सारे ड्रैगन्स एक साथ छोड़ दिए, 3 बलून्स, वार्डन, स्टोन स्लैमर, सारे हीरोज, तो माइटी एक जो है वो वॉल्स तोड़ देगा और सारे हीरोज अंदर चले जाएंगे। चलिए अभी तक तो अटैक बढ़िया जा रहा है क्योंकि तो सारे ट्रूप्स एकदम सेंटर में जा रहे हैं, और इसी में से निकल चुके हैं मैक्स लेवल के ड्रैगन्स 2। थोड़ी जैसे ही वार्डन एकदम पोजीशन पे आ जाए मैं वार्डन एबिलिटी भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि ट्रूप्स प्रोटेक्ट हो जाए। चलिए आइस गोलम का आइस इफेक्ट आ चुका है, कम ऑन ड्रैगन्स, ड्रैगन्स की हेल्थ बहुत ही लो हो चुकी है। ओ नो, सिर्फ थोड़े से के लिए देखिएगा इस TH बच गया है, मुझे लग रहा है ये अटैक भी 1 स्टार ही होगा। सो गाइस 1 स्टार हो गया है हमारा अटैक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अटैक की तरफ, नेक्स्ट आईडी में जाते हैं। TH9 आईडी स्टार्ट हो गई है। देखिए आर्मी हो चुकी है रेडी, गोविच आर्मी है जो, और अब मुझे अटैक करना है।
24 के ऊपर करते हैं हम अटैक। ये बेस है देखिए, तगड़ा बेस है, तो पहले हीरोज बूस्ट कर लेते अपने। चलिए गाइस अब बढ़ते अटैक की तरफ, नंबर 24 पर करते हैं अटैक। देखिए मैक्सिमम डैमेज एरिया यहाँ है सीसी और बार्बेरियन के साथ में, तो वहां पर हम डालेंगे विचिस। चलिए लेट्स स्टार्ट द अटैक गाइस। 1 2 3 4 चार विचिस, दो हीलर्स, और अब दूसरी कॉर्नर पर क्वीन और उसके साथ तीन हीलर्स। अब इनको थोड़ा काम करने देंगे, फनल क्रिएट होने देंगे और फिर अटैक करेंगे स्टार्ट। अब डाल देंगे गोलम, बाकी के विचिस बॉलर्स, और अब ये सीसी में से निकल चुका है ड्रैगन और बलून स्टोन पर डाल देंगे फ्रीज। और अब यहाँ आके डाल देंगे जंप स्पेल। किंग के 8 पॉइंट डाउन हो रहे तो उसकी एबिलिटी यूज कर लेते हैं। सो गाइस अब अपने पास बची है एक विच और आर्चर क्वीन विथ हीलर्स। चलिए देखते हैं कुछ हो पाता है या नहीं। ये बेस इसके लिए बहुत मैक्स था इसलिए थोड़ा टफ हो गया अटैक करना। क्योंकि ऑलमोस्ट मैक्स बेस है और मेरा बेस मैक्स नहीं है इसलिए थोड़ा टफ है, हार्ड अपोनेंट था मेरे लिए। कोई बात नहीं, 2 स्टार्स तो हो गया, इतना ही बहुत है। सो चलिए गाइस हमारा अटैक यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट, 2 स्टार मिले इस बेस पर। अब नेक्स्ट स्टार देखिए 37 हो चुके हैं स्टार्स हमारे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आईडी की तरफ। इसमें भी आर्मी है रेडी, बूस्ट कर लेते हैं सब क्योंकि हार्ड वॉर है। और अब इससे मुझे अटैक करना है नंबर 23 पर। देखिए फुल ऑन मैक्स बेस है, सिर्फ एक लेवल आर्चर क्वीन और 2 लेवल बार्बेरियन किंग के बचे हैं, मतलब बहुत ही हार्ड अपोनेंट है। और यहाँ पर है सीसी, दो मोस्ट डैमेज पोजीशन यहाँ पर है, तो हम यहाँ से विचिस डालेंगे और दूसरी तरफ आर्चर क्वीन। चलिए लेट्स रन फॉर द अटैक। चार विचिस, दो हीलर्स, और दूसरी तरफ क्वीन और 3 हीलर्स। तो चलिए बाकी के ट्रूप्स सब डाल देते हैं, फनल हो चुका है क्रिएट। वॉल ब्रेकर्स भी छोड़ दिए और सीसी में से निकल चुके हैं बलून और ड्रैगन। तो देखिए अब हमारे मैक्सिमम ट्रूप जो है वो सेंटर में पहुंच चुके हैं। गोलम है, विचिस है, बार्बेरियन किंग हमारा एकदम सेंटर में, और ये टाउन हॉल डिस्ट्रॉय होने वाला है ऑलमोस्ट।
और ये टाउन हॉल हो चुका है डिस्ट्रॉयड गाइस। एक हील बचा है तो वो भी यूज कर लेते हैं। चलिए मेन एक्सपो डाउन हो चुका है तो अब इतना टेंशन नहीं है हमें, सिर्फ बचे एयर डिफेंसिस दो, एक मोर्टार, एक कैनन, आर्चर टावर और विजार्ड टावर। सो इजीली हम ये अटैक कर सकते हैं 3 स्टार, क्योंकि आर्चर क्वीन जो है वो फुल हेल्थ पे है, एबिलिटी भी बची हुई है। सो गाइस ये अटैक तो हमारा कन्फर्म 3 स्टार हो चुका है। ये आईडी मेरी मैक्स है ऑलमोस्ट, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं आया अटैक में, और अटैक ये देख सकते हैं अब इजीली 3 स्टार हो गए। अटैक देख सकते हैं आप इजीली अटैक हो गया है 3 स्टार। आर्चर क्वीन की स्वैग एबिलिटी बची अपने पास। चलिए फिर अब स्टार्स देख लेते हैं, 40 स्टार्स हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आईडी में जो है क्लैश विद अवेज आईडी। देखिए अब चलिए फिर अब बढ़ते नेक्स्ट आईडी की तरफ। इसमें भी बूस्ट कर लेते क्योंकि मैं लो लेवल हूँ, अभी टाउन हॉल 9 हुआ हूँ और जो अपोनेंट है वो हार्ड है, इसलिए चलिए ट्राई करते हैं अपना अटैक। इसमें बूस्ट की ज़रूरत नहीं थी, मैं बेस भूल गया लगता। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर भी अटैक कर लेते हैं। इसमें देखिए हाई डैमेज एरिया यहाँ पर है क्वीन और बार्बेरियन किंग, और यहाँ पर से सीसी लेवर आउट करके हम वहाँ लेके चलेंगे। चलिए सेंटर में डाल देते हैं विच इज 1 2 3 4, और 2 हीलर्स, और यहाँ पर एक वॉल रेकर छोड़ देंगे ताकि वह सीसी लेवर आउट कर दे, और अब बाकी के ट्रूप जो है वो यहाँ छोड़ देंगे। तो अब गोलम और बाकी के विचिस बॉलर्स किंग और डाल देंगे बचे हुए वॉल ब्रेकर्स। सो चलिए हमारे ट्रूप्स जा चुके अंदर। सो अब अंदर डाल देते जंप स्पेल, सो गाइस ये अटैक फेल हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे लोग क्लियर कर देंगे। और यहाँ पर 46 स्टार, 41 स्टार हो चुके हमारे। सो हमने लीड मेंटेन कर लिया और पोजीशन भी देखिए, अब हम 3rd पोजीशन पर आ चुके। तो चलिए गाइस आज के अटैक्स हो चुके हैं कंप्लीट, और अब जो है मैं TS12 ID का अटैक दिखाता हूँ आपको।
वहाँ पर भी लाइव अटैक करके दिखाता हूँ। ये गाइस आ चुके हैं मेरे DS12 ID में, अब उसका अटैक दिखाता हूँ आपको करके लाइव अटैक। सेम आर्मी यूज़ करने वाला हो, गो विच वाली विथ सुपर विजर्ड्स। देख सकते हैं आप आर्मी, 3 गोलम, 10 विचेस, 7 सुपर विजर्ड। चलिए बढ़ते हैं अटैक की तरफ। यहाँ पर भी देखिए, इस बार तो बहुत ही हार्ड ओपोनेंट्स आए, TH14 था सारे के सारे। और इसके देखिए मेन जो डिफेंसेज है वो सब मैक्स है, इन्फर्नोस, स्कैटर शॉट्स, ईगल आर्टिलरी, एक्सपोज। सो ये अटैक बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। आर्चर टावर्स भी ऑलमोस्ट मैक्स है, अटैक बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, तो एटलीस्ट 2 स्टार्स का ट्राई करना है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अटैक की तरफ। पहले इन्फर्नोस डाउन करेंगे। यहाँ पर देखिए बैटल बिल्डर्स भी है, तो वो जो डैमेज मिल रहा है बिल्डिंग्स को उन्हें हील दे रहे। सब डाल देंगे सारे, 3 गोलम्स, लॉक लॉन्चर, विचिस और फिर सुपर विजर्ड्स। 5 सुपर विजर्ड डाल दिए, 2 सेव करके रखे, और जैसे ही फनल और क्रिएट हो जाए तो फिर डाल देंगे सारे हीरोज और बचे हुए 2 सुपर विजर्ड्स ताकि वो सीधा अंदर जाए। चलिए मेन ईगल आर्टिलरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और अब जो है वो टाउन हॉल एक्टिव हो चुका है, उसका डिफेंस अटैक कर रहा है, तो इसलिए अब फ्रीज डाल देते उस पर। और जैसे टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो जाए वार्डन एबिलिटी यूज कर लेते ताकि ट्रूप्स प्रोटेक्टेड रहे पॉइजन से थोड़ी देर तक के लिए। और ये वार्डन एबिलिटी कर लिया यूज़, लेकिन फिर भी बाद में ट्रूप्स को बहुत ही पॉइजन लगने वाला है, तो इससे बहुत ही मैक्सिमम डैमेज मिलेगा हमारे ट्रूप्स को। देख सकते हैं आप कितना डैमेज मिल रहा है। आर्चर क्वीन तो अब बहुत ही लो हिट पॉइंट्स हो रहे हैं आर्चर क्वीन के, देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट पूरे हिट पॉइंट्स डाउन हो गए ऐसे ही। सो गाइस जो मेन मोटिव था 2 स्टार लाना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट 74% डैमेज मिल गया है। और जैसे ये एलेक्सा स्टोरेज डाउन हो जाए तो 75% डैमेज भी हो जाएगा। सो गाइस एक बहुत ही खतरनाक बेस पर हमने 76% कर लिया है विद 2 स्टार्स। सो ये बहुत ही अच्छा अटैक था, और अब अटैक हो चुका है कंप्लीट गाइस। तो चलिए अब Day 2 इसी के साथ होता है कंप्लीट हमारा। अब नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा आपसे Day 2 का रिजल्ट बताने के लिए और Day 3 का लाइव अटैक दिखाने के लिए। ये देखिए मेरे ओपोनेंट ने मेरे ऊपर जो अटैक किया वो दिखाता हूँ आपको। इतना मैक्स ओपोनेंट होकर भी मेरे बेस पर वो 3 स्टार नहीं कर पाया। देखिए ड्रैगन जैप कर रहा है, देख सकते हैं आप कितना हार्ड बेस था ओपोनेंट के लिए। सो चलिए फिर अब Day 2 हमारा ख़त्म होता है, अब मैं मिलूँगा ये अब Day 2 हमारा ख़त्म होता है, अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। टिल द एंड स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस। मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।